हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। दोस्तों आज बात करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और जेट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। दोस्तों आज की जो सारे के सारे क्वेश्चंस है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और जेट के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखें और कोशिश करें कि दोस्तों जब मैं क्वेश्चन बोलूं तो आप उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें, उसके बाद में आप लोग अपना आंसर चेक करें कि आपका आंसर सही है या गलत है। और दोस्तों जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जिन्होंने फॉर्म डाला है वो अच्छे से तैयारी करते रहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, क्योंकि दोस्तों आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है और डेट आ सकती है। अगर किसी को लग रहा है कि अभी डेट काफी लेट आएगी, एग्जाम काफी लेट होगा और हम तैयारी बाद में कर लेंगे, तो दोस्तों आप अभी से तैयारी करते रहे। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप कंटिन्यू तैयारी करें, क्योंकि दोस्तों आपके लिए एक गोल्डन चांस है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। तो दोस्तों आपसे तो सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि आप कंटिन्यू तैयारी करते रहे और अच्छे से तैयारी करें, साथ में दोस्तों राजस्थान जीके भी पढ़ते रहे। ऐसा नहीं है कि आप एग्रीकल्चर पढ़ के एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम फाइट कर लोगे, तो दोस्तों आप राजस्थान जीके भी पढ़ते रहे। तो जो आज की वीडियो है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और जेट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने कैप्टन एग्रो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि दोस्तों आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है अपने पास, CIAH कहां पर स्थित है। अब CIAH का पूरा नाम आपको याद होना चाहिए, तभी आप बता पाओगे कि कहां पर स्थित है। इसका पूरा नाम है दोस्तों सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर। आप पूरा नाम लिख लो, अगर आपके पास इसकी फुल फॉर्म नहीं लिखी हुई या आपको याद नहीं है तो याद कर लो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर। क्वेश्चन क्या है, कहां पर स्थित है, जयपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर। तो दोस्तों CIAH कहां पर स्थित है, बीकानेर में स्थित है। कहां पर है दोस्तों, बीकानेर में। बीकानेर कौन से राज्य में आता है, राजस्थान में आता है। कौन से राज्य में आता है दोस्तों, राजस्थान में आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। दोस्तों राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र ऑप्शन दे रखा है, तिरुचिरापल्ली, मुजफ्फरपुर, पुणे, हैदराबाद। तो दोस्तों राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है तिरुचिरापल्ली। अब तिरुचिरापल्ली कहां पर स्थित है दोस्तों, तमिलनाडु में। कहां पर है, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, राष्ट्रीय सुअर अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुअर अनुसंधान केंद्र वाराणसी, हिसार, जबलपुर, गुवाहाटी। तो दोस्तों राष्ट्रीय सुअर अनुसंधान केंद्र कहां पर है, गुवाहाटी में है। कहां पर दोस्तों, गुवाहाटी। गुवाहाटी कौन से राज्य में आता है, असम। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर, दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खरपतवार विज्ञान अनुसंधान निदेशालय कहां पर स्थित है। दोस्तों खरपतवार अनुसंधान निदेशालय कहां पर स्थित है, ऑप्शन देखो, हैदराबाद, मेरठ, जबलपुर, इंदौर। तो दोस्तों खरपतवार विज्ञान अनुसंधान निदेशालय जबलपुर में स्थित है। कहां पर है, जबलपुर में। जबलपुर कौन से राज्य में आता है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में दोस्तों जो खरपतवार है, इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले खरपतवार के बारे में कौन से वैज्ञानिक ने बताया। तो दोस्तों कौन से वैज्ञानिक ने बताया, जेंथ्रो टूल नामक वैज्ञानिक ने। कौन से ने, जेंथ्रो टूल। दोस्तों अगर आपको खरपतवार विज्ञान को अच्छे से समझना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, खरपतवार के बारे में अच्छे से बता रखा है। और दोस्तों जो जेंथ्रो टूल नामक वैज्ञानिक है, इनको और क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जीरो टिलेज। क्या कहा जाता है दोस्तों, फादर ऑफ जीरो टिलेज। आप नोट कर ले इनको कि फादर ऑफ जीरो टिलेज किसको कहा जाता है, जेंथ्रो टूल को कहा जाता है। और सबसे पहले जो वीड वर्ड है उसका यूज भी जेंथ्रो टूल नामक वैज्ञानिक ने किया है। वीड तो जानते हो आप लोग कि वीड क्या होते हैं, ऐसे अनवांटेड प्लांट होते हैं जो फसल में बिना उगाए उग जाते हैं और दोस्तों फसल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, प्रोडक्शन में भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, उनको कहा जाता है दोस्तों खरपतवार। और खरपतवार वर्ड का यूज सबसे पहले किसने किया था, जेंथ्रो टूल नामक वैज्ञानिक ने किया था। इनको फादर ऑफ जेंथ्रो टूल भी जीरो टिलेज भी कहा जाता है, फादर ऑफ जीरो टिलेज। क्वेश्चन नंबर फाइव, नमक के घोल की सांद्रता किस उपकरण से मापी जाती है, ब्यूटायरोमीटर, सेलोमीटर, ड्रोसोमीटर, अल्टीमीटर। तो दोस्तों यहां पे नमक के घोल की सांद्रता पूछी जा रही है, तो दोस्तों नमक के घोल की सांद्रता मापी जाती है सेलोमीटर से। दोस्तों कहीं पे आपको सेलेनियोमीटर भी मिल जाएगा, सेलिनोमीटर। तो दोस्तों आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, नमक के घोल की सांद्रता मापी जाती है सेलोमीटर से। बाकी ब्यूटायरोमीटर इससे क्या मापा जाता है दोस्तों, दूध की वसा। क्या मापी जाती है, दूध की वसा। और ड्रोसोमीटर ओस, और अल्टीमीटर ऊंचाई, ऊंचाई मापने के काम आता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर सिक्स, हेरिकोट बीन का वानस्पतिक नाम है पाइसम सेटाइवम,
विग्ना एकोंटिफोलिया, फिजियोलस वल्गेरिस, विग्ना रेडिएटा। तो दोस्तों जो हेरिकोट बीन इसका बोटनिकल नेम है फिजियोलस वल्गेरिस। दोस्तों जो हेरिकोट बीन है इसको किडनी बीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? किडनी बीन या फिर फ्रेंच बीन। किडनी बीन या फ्रेंच बीन भी कहा जाता है किसको? हेरिकोट बीन को। और इसका बोटनिकल नेम है फिजियोलस वल्गेरिस। क्वेश्चन नंबर 7, सिंगाड़े का फल का प्रकार है। दोस्तों जो सिंगाड़ा है उसके फल का प्रकार कौन सा है? बेरी, नट, सोरोसिस, ब्लोस्टा। तो दोस्तों जो सिंगाड़ा है इसके फल का प्रकार है नट। क्वेश्चन नंबर 8, मेमार्डिका चेरेंटिया किसका बोटनिकल नेम है? मेमार्डिका चेरेंटिया किसका वानस्पतिक नाम है? तरबूज का, खरबूजा, भिंडी, करेला। तो दोस्तों मोमार्डिका चेरेंटिया करेला का वानस्पतिक नाम है। किसका दोस्तों? करेला का, बीटर गार्ड का। बात करें दोस्तों इसकी फैमिली, तो इसकी फैमिली है कुकुरबिटेसी। कौन सी? कुकुरबिटेसी। कई बार इसकी सीड रेट भी पूछ ली जाती है करेले की। तो इसकी सीड रेट क्या है? बीज दर क्या है? 4 से 5 केजी। क्या है दोस्तों बीज दर? बीज दर 4 से 5 केजी। क्वेश्चन नंबर 9, डेयरी विज्ञान महाविद्यालय कहाँ स्थित है? डेयरी विज्ञान महाविद्यालय कोटा, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। तो दोस्तों डेयरी विज्ञान महाविद्यालय उदयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, बकरी की नस्ल जो 12 से 15 माह में 2 बार ब्याहती है वो कौन सी है? बारबरी, सानेन, सेकावटी, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों वो बकरी की नस्ल है बारबरी। कौन सी है दोस्तों? बारबरी। दोस्तों बारबरी की एक और विशेषता है। क्या विशेषता है? कि 12 से 15 माह में 2 बार तो ब्याहती है, लेकिन दोस्तों एक बार में 2 बच्चे भी दे देती है। कितने बच्चे? एक बार में 2 बच्चे देने वाली नस्ल कौन सी? इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तब भी आपका आंसर क्या होगा? बारबरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, विश्व की कितनी प्रतिशत भेड़ भारत में पाई जाती है? 1%, 2%, 3%, 4%। तो दोस्तों पूरे विश्व की भारत में जो भेड़ पाई जाती है उसका प्रतिशत है 4%। भेड़ का जूलॉजिकल नाम है ओविस एरिस। क्या नाम है? ओविस एरिस। 4% भेड़ पाई जाती है विश्व की भारत में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ऊंट की औसत उम्र होती है 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष। तो दोस्तों ऊंट की जो औसत उम्र होती है वो होती है 40 वर्ष। 40 वर्ष तक जीवित रहता है ऊंट। क्वेश्चन नंबर 13, प्राकृतिक खेती के जनक हैं मसानाबू, पुकोवा, पुकोका, एडम स्मिथ, स्टीफन हेल्स, इजे बटलर। तो दोस्तों जो प्राकृतिक खेती के जनक है वह है मसानाबू, पुकोका। बात करें एडम स्मिथ, तो दोस्तों ये किसके जनक है? अर्थशास्त्र के, अर्थशास्त्र। और बात करें स्टीफन हेल्स, तो दोस्तों स्टीफन हेल्स किसके हैं? पादप शरीर क्रिया विज्ञान। और बात करें इजे बटलर, इजे बटलर किसके हैं दोस्तों? प्लांट पैथोलॉजी। किसके? प्लांट पैथोलॉजी। चारों को अच्छे से याद रखें, प्राकृतिक खेती के जनक मसानाबू, फुकोका, अर्थशास्त्र के एडम स्मिथ, स्टीफन हेल्स, पादप शरीर क्रिया विज्ञान, इजे बटलर, प्लांट पैथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 14, गेहूं की किलर बीमारी को किस नाम से जाना जाता है? भूरी गेरुई, धारीदार रोली, काली रोली, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो किलर बीमारी है गेहूं की उसको काली रोली के नाम से जाना जाता है, ब्लैक रस्ट। गेहूं का बोटनिकल नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। अगर आपको इसके बारे में पूरा जानना है तो आप गेहूं वाली वीडियो जरूर देखें, आपको मिल जाएगी कैप्टन एग्रो चैनल पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मालिश करने हेतु काम में लेते हैं नीला तोता, तारपिन का तेल, फिनोविस, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों मालिश करने के लिए पशुओं में काम में लेते हैं तारपिन का तेल। और दोस्तों जब पशु के शरीर में सूजन आ जाता है, क्या आ जाता है? सूजन आ जाता है, या फिर आफरा आदि बीमारियों में दोस्तों इसको काम में लिया जाता है सूजन को कम करने के लिए तारपिन के तेल को। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। और दोस्तों कमेंट करना ना भूले, कमेंट करते रहे ताकि दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आता रहूं। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि दोस्तों आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखें। जय जवान जय किसान। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।